लखनऊ में 5 मंजिला इमारत गिरी, बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एयर इंडिया ने फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी बदली, जब तक क्रू ना परोसे तब तक शराब नहीं पी सकेंगे यात्री। बीसीसीआई की डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में बवाल, पथराव के बाद छात्रों ने निकाला मार्च। श्रद्धा केस में 6000 पेज की चार्जशीट दाखिल, दोस्त के घर गई श्रद्धा तो गुस्सा आया, आफ्ताब ने किए 35 टुकड़े। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के भतीजे ने मारी गोली, बरेली में शराब के नशे में दो पक्षों में चले लाठी डंडे। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में भूकंप से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि अलाया अपार्टमेंट में बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें 15 परिवारों के रहने वाले परिवारों के रहने की बात सामने आई है। घटना के बाद अब तक 3 शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि 15 से 20 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है। बिल्डिंग 10-11 साल पुरानी बताई जा रही है। इस बिल्डिंग में 14 से 15 फ्लैट थे, बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था। घटना के बाद से भारी तादाद में मौके पर पुलिस बल तैनात हो गया। हरदोई में विरोध का एक अनूठा मामला देखने को मिला है, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। जिला अस्पताल के पास टहल रहे एक घोड़े की पीठ पर मैं हूं जिला पंचायत राज अधिकारी लिखा हुआ है। घोड़े की पीठ पर स्लोगन लगा पोस्टर देखकर मौके पर लोगों का जमावड़ा जुटने लगा। इस घोड़े को कौन रोड पर छोड़कर गया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। मैनपुरी में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। खाद्य विभाग के संरक्षण में मिलावटखोर बड़े पैमाने पर नकली खाद्य पदार्थों को बनाकर लोगों के आगे परोसने का काम कर रहे हैं और जमकर धन उगाही करने में जुटे हुए हैं। नकली घी का कारोबारी बड़े पैमाने पर खाद्य विभाग के संरक्षण में कई वर्षों से करते हुए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी भनक जब मीडिया को लगी तो पर्दाफाश करने के लिए मीडिया कर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ अभद्रता कर दी गई। घटना ये हुई कि मतलब हम कवरेज करने वाले थे और साथ में जैसे वहां पहुंचे तो गाड़ी एक नकली की जो है उतर रही थी, देसी घी की बन रहा था, और कर रहे थे पप्पू, नाम उनका पप्पू है, और उनके एक नाम धर्मेंद्र, सुनने में आ रहा है। घटना बड़ी घटना ये है, जिन्होंने सभी के दौरान बंधक बना लिया है, ये घटना और हाथापाई भी कर दी है। साथ में किसी तरीके से हम लोगों ने बड़ी ही मेहनत करके उनसे बाहर आए, टीम भी थी, और बाहर आने के बाद जहाँ पहुंचे ही बन रहा था, हमारी कोई कर रहे थे सुनवाई नहीं की गुप्ता जी, और उनके और भी बेटे थे धर्मेंद्र, और भी बेटे जिन्होंने कवरेज के दौरान बंधक बना लिया है और हाथापाई भी कर दी है। साथ में किसी तरीके से हम लोगों ने बड़ी ही मेहनत करके उनसे बाहर आए, और बाहर आने के बाद थाने पहुँचे जिस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। सर जानकारी मिली है कि उसको दाम पे जो जो इस खबर पर हमारे संवाददाता अमरजीत कुमार हमसे जुड़ेंगे। अमरजीत, खाद्य विभाग के संरक्षण में काला कारोबार का खेल हो रहा है, वहीं इस मामले में पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है?
जी बताए। आपको आवाज आ रही हमारी? जी 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 बताए जी। खाद विभाग के संरक्षण में काला कारोबार का खेल हो रहा है, इस मामले में पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी पत्रकारों को जानकारी मिली थी बेर में फैक्ट्री का कारोबार चल रहा, वहाँ पत्रकार कवरेज करने गए थे, तो कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ धाधापाई कर दी, मारपीट कर दी, उनके उनका मोबाइल उठाया गया। धन्यवाद अमरजीत हमसे जुड़ने के लिए। लखनऊ हादसे को देखते हुए सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। सिविल अस्पताल में सभी बेड रिजर्व कर लिए गए हैं। वहीं तीन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें एक मासूम भी शामिल है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में घायलों के इलाज के लिए लगभग एक दर्जन डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है, जो कि मरीजों का इलाज करेगी। बुलंदशहर में पैसे के लेन देन के विवाद में कार सवार लोगों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर दी। विरोध पर कई राउंड फायर करते हुए आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना में महिला सहित चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही घटनास्थल से कई कारतूस के खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले को लेन देन का बताया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आपका नाम क्या है? परविंदर जी। परविंदर किस मोहल्ले से हैं? झारखंडी। आज क्या हुआ, क्या घटना घटी? वो आए थे बात कर सदा आ रही, हमने उनको बैठाया, अपने बात करने लग गए वो, फिर वही बात बनी वहाँ जी पैसे दो, वो कह लगे काय के पैसे, तो इतने भी गाली गुप्ता करने लग गए, चोर चुटाप हुई, फिर वो जाते जाते गाली रोकने लग गए, फायर करने लग गए वो। फरकरी बस्ती में परिवहन विभाग लगातार सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम को लेकर गंभीर है। इसके तहत विभाग प्रतिदिन यातायात सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसी कड़ी में संभागीय परिवहन अधिकारी और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बड़ेवन चौराहा और रोडवेज पर बिना हेलमेट के वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर बताया कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना कितना घातक है। साथ ही सभी को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। 23 से लेकर करके 4 फरवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं, जिस क्रम में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स कर रहे हैं और लोगों के बीच जा करके उन्हें यातायात के बारे में जागरूक कर रहे हैं, यातायात के नियमों के पालन के हेतु जागरूक कर रहे हैं। जिसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर बड़े बंच चौक पर मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल चालक हेलमेट नहीं लगाए थे उनको हम लोग गुलाब का फूल दे कर करके प्रोत्साहित कर रहे थे कि आगे से ध्यान रखें और बगैर हेलमेट के वाहन न चलाएं। और जो हेलमेट चलाया था, हेलमेट लगाए हुए थे मोटरसाइकिल चलाते समय, उनको हम लोग अच्छे मतलब यातायात के नियम के बारे में और उसे पालन हेतु अनुरोध कर रहे थे। गाजियाबाद में डासना जेल पहली ऐसी जेल बनी है जहां पर रेडियो जॉकी का स्टेशन बनाया गया है। आपको बता दें कि स्टेशन इसका उद्देश्य से बनाया गया है कि जेल के अंदर बंद कैदी नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की तरफ आएं और उनका मनोरंजन भी हो जाए। सुबह भजनों के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को अच्छा मैसेज दिया जाता है, इसके बाद मनोरंजन के लिए उनकी फरमाइश के गाने भी बजाए जाते हैं। कि कारागार स्वयं में एक ऐसा शब्द है जिससे कि क्या कहते हैं, आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी बंदी यहाँ आता है वो थोड़ा नेगेटिव उसकी फीलिंग रहती है और वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं बहुत लोग, ताकि उनको सकारात्मकता की तरफ ले जाना और उनको क्या कहते हैं डिप्रेशन से बाहर करना, उनका मनोरंजन करना, उनको ऐसा वातावरण देना कि जिससे कि वो यहाँ पे जब तक हैं तब तक अपने पॉजिटिव मनोदशा से कुछ सीख सकें, कुछ एंजॉय कर सकें और कुछ ज्ञान। अमरोहा में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर बिरजेश कुमार के द्वारा नगर के हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में यूपी दिवस के अवसर पर मेले का और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए मुरादाबाद मंडल के आयुक्त और जिला अधिकारी मौजूद रहे। ये प्रदर्शनी 2 दिन तक चलेगी।
प्रदेश भर में हर जगह उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अमरोहा में भी एक हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है वो रामलीला ग्राउंड में रखा हुआ था, जिसकी उद्घाटन जो है आज माननीय आयुक्त महोदय द्वारा की गई। उक्त कार्यक्रम में जो खादी ग्राम उद्योग है उसके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उस मेले को जितना भी कमर्शियल हम लोग कर सकते हैं करने का प्रयास किया गया। उसमें झूले बच्चों के लिए लगाए गए हैं, वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर हमारे हैं उनके द्वारा भी लगाए गए हैं। तो एक जो एक तरह से मिला जुला जो है एक हम लोगों ने कार्यक्रम में एक जो है जो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं अमरोहा के उनको लेके और कुछ उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।